मैं डॉक्टर यासर अरफात यूनानी से मैं MD भी किया हूँ और मैं तमिलनाडु से ताल्लुक रखता हूँ। मैं यहाँ पर मैं दो चीजें कहना चाहता हूँ कि एक 2006 से तमिलनाडु के अंदर गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु प्लानिंग से 2006 से उर्दू को बैन करने की कोशिश की है, जो फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेके तकरीबन 10th स्टैंडर्ड तक बाकायदा तौर पर मतलब उर्दू को जो है फर्स्ट लैंग्वेज से निकाल के या सेकेंड लैंग्वेज से निकाल के, या अगर आप उर्दू के एग्जाम भी लेते हैं तो उसमें कोई मार्क्स नहीं। और होते होते हाल यहाँ तक पहुँच गया कि कंप्लीट तौर पर अभी स्कूलों में उर्दू पढ़ने वाले को इन फ्यूचर कोई जॉब नहीं है। और हमारी यूनानी मेडिसिन जो कनेक्टेड है वो उर्दू से कनेक्टेड है, यानी जितने भी तकरीबन यूनानी डॉक्टर्स निकलते हैं वो उसकी किताबें यूनानी से कनेक्टेड है। जब हमारे पास BUMS में फर्स्ट दाखिला लिया जाता है तो उनको सबसे पहले 10th और प्लस 2 उर्दू में करना इम्पोर्टेंट होता है। जब उर्दू अपने तमिलनाडु में ख़त्म हो रही है और हम उसको देख रहे हैं, उसका जनाजा निकल रहा है, और ये समचर कैलवी तमिल को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे के उर्दू को प्लानिंग तौर पर ख़त्म कर दिया गया है। और अभी का हाल ये है कि लोग जो पढ़े हैं तकरीबन जो है MBA उर्दू किए हैं उनके लिए कोई जॉब वगैरह नहीं है। और उसका एक अलग यूनानी मेडिसिन जो अपना मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि हमारा यूनानी मेडिसिन जो उर्दू से कनेक्टेड है, उर्दू ना होने की वजह से यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन भी खत्म हो रहा है। तो मैं यहाँ पर तकरीबन सारे बेहतर और जो है मुअज्जज लोग यहाँ पर मौजूद हैं, मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि उर्दू जबान को बाकी रखने के लिए जश्न उर्दू या ATV उर्दू वाले हमारे तमिलनाडु के लिए क्या मदद कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी, आपकी बात को मुतालिक हुकाम तो जरूर पहुंचाया जाएगा। हमारे हेड जगदीश चंद्रा जी यहाँ पर मौजूद हैं। अभी अगले महीने हमारा तमिलनाडु का चैनल भी शुरू हो रहा है और आपकी बात वहां के हुकाम तक जरूर पहुंचाई जाएगी। शुक्रिया।